क्या टाइम हो रहा था भाई? टाइम हो रहा है 9:30। और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर जरा चेक करें। टेम्परेचर हो रहा है -3। तभी मेरे हाथ इतने, इट्स फ्रीजिंग। क्या और नीचे जाएगा? ये जाएगा -5 अगले 2 घंटे में। अरे बाप रे, ओ अली। देर से ही सही, लेकिन इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हो चुकी थी मेरी मेरे कुछ दोस्तों के साथ। और ये सफर था उत्तराखंड में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन औली के लिए। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर। तो इन खूबसूरत सफ़र के खूबसूरत रोड से होते हुए हम लोग पहुँचे एक बहुत ही अमेजिंग सी जगह पर, जहाँ का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत था और जहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन बहुत ही साफ नज़र आ रहे थे। और उसको देखना, उसकी फर्स्ट ग्लिम्प बहुत ही अमेजिंग थी। आइए उस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो उस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ अच्छे फोटोग्राफ लेने के बाद, हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और आगे आकर लिया हमने अपना फर्स्ट टी ब्रेक, जहां पर मेरा और आप लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन था। तो आइए होते हैं आपसे रूबरू। हेलो एवरीवन, दिस इज साथ खान, वेलकम टू माई ट्रैवल नामा। और आज का व्लॉग, अब तक मैंने इंट्रो नहीं किया था, काफ़ी देर से आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ कट्टी, एक जगह है जो भरदोज खान से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। और हम लोग सुबह 6:30 पर रामपुर से निकले थे और अभी हमने अप्रॉक्स 175 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अभी वक्त क्या हुआ है? 10:15, यानी कि हमने अप्रॉक्स 4 घंटे में 175 किलोमीटर कवर कर लिया है। और यहाँ से अभी हमें 175 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि आज हमें पहुँचना है जोशीमठ और उसके बाद हम कवर करेंगे औली। तो रास्ते तो मैंने सीन्स लिए, आपने देखे होंगे। अच्छा, मेरे सारे सफ़र पर जो लोग हैं, मैं आपको एक बार उनसे भी इंट्रोड्यूस करा दूं। और यहाँ हमने फर्स्ट मील, अभी तक कुछ नहीं खाया है, सुबह जल्दी निकले थे इसलिए कुछ खा नहीं पाए थे। तो अभी हमने इतना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, पराठे और आलू पराठे, और साथ में है कुछ यहाँ का कुछ बड़ा फेमस रायता है। वो लास्ट टाइम मेरे साथ का जो बंदा था उसने खाया था इसी जगह पर एग्जैक्टली, तो उसने ऑर्डर किया है, वो आने दो। तो अभी व्लॉग में कौन कौन है भाई? मैं अभी फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इन लोगों से आपको मिलवाता हूँ मैं। तो सबसे पहले नीचे हुडी में है खुर्रम। खुर्रम यहाँ का रहता, टेस्ट कर चुका जब वो लास्ट टाइम वैली फ्लावर्स गया था। तो ये है मेरे फ्रेंड शेखर, इनके साथ मेरा एक प्रोफेशनल रिश्ता भी है जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और साथ में है गौरव सर। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन इनको एडवेंचर में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको वॉमिट फील हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये कैसा एडवेंचर है साला, ना कुछ खिला रहे हो ना पिला रहे हो, बस गोल गोल घुमा रहे हो। सो अभी शायद ब्रेकफास्ट रेडी है, अपने अचार पराठा खा लें, उसके बाद चलते हैं और जो कुछ भी कैप्चर करेंगे आप लोग शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन इन फ्यूचर। तो फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सफर कंटिन्यू किया और हम जैसे जैसे आगे आ रहे थे रास्ते और स्ट्रेट होते जा रहे थे, तो इन खूबसूरत रास्तों के खूबसूरत एक्सपीरियंस को आइए शेयर करते हैं आपके साथ। तो अभी हम गेरसैंण पहुंचने वाले हैं और अब
घंटे तक बॉस ड्राइव कर रहे थे, थक चुके हैं, अब वो माउंटेन सीट पे और ड्राइव करने वाला बंदा गया तो वॉशरूम, पीछे ब्रेकफास्ट हैवी करता पराठे से, तो शायद पेट में लोड कुछ ज़्यादा था, मुझे भी जाना है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और तीसरा बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ फ़ोन करना है, जहाँ नेटवर्क मिलेंगे वहाँ बहुत ज़रूरी कॉल होती है, बहुत ज़रूरी कॉल था, पता नहीं कौन सा ज़रूरी कॉल है वो। फिलहाल अभी आप सामने का रूम देखें, ऐसा लग रहा है आपको आगे आएगी, देखिए गेयर सेंस लगभग रखा है 32 किलोमीटर, करंट ट्रैक यहाँ से 76 किलोमीटर और फिर बद्रीनाथ 206 किलोमीटर। हम बद्रीनाथ नहीं जाएंगे, इससे पहले हम बद्रीनाथ जा चुके हैं, आपने नहीं देखा मेरे ब्लॉग तो बद्रीनाथ वाले ब्लॉग जाके देखिए। फिलहाल मैं थोड़ा फ्रेश हो जाए और सब लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, अभी हमें लगभग आधा सफ़र तय करना है और आधा अभी और तय करना है, तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आगे जैसे जैसे जा रहे हैं थोड़ा मौसम दोपहर का वक्त गर्म हो गया है, तो शायद जैकेट के बगैर भी काम कर सकता है, और जो आगे कैप्चर करके शेयर करेंगे। तो फिलहाल टाइम कम है क्योंकि हमें रास्ते पहले पहले वहाँ पहुँचना है, तो अब मैं जाता हूँ, मेरे पास शायद जो वीडियो ऑपरेटिंग मोड पे वो जाएंगे। क्या आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल। और आप? नहीं। आप तो हो गए, आप भी मेरा हो गया। किसका? आपका टर्न है। आपका हो गया? मेरा हो गया। ठीक है जी, अरे भाई रह गए शेखर भाई। जी सर, चलिए घुमा के लेके आऊँ मैं आपको। आप जाइए, आप अंदर अंदर। तो अभी हम हैं दिवाली खाल में, और अभी यहाँ से जोशीमठ कितना है, लगभग 115 किलोमीटर भी अभी हमारी जर्नी और बची है, और अब हम कर रहे हैं लंच कह लें या पहाड़ वाली मैगी। अगर पहाड़ पे और मैगी नहीं खाया तो क्या खा कुछ खाया, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। हमें लग रहा था गाड़ी में कि बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि धूप शीशे के अंदर पड़ रही थी, लेकिन बाहर निकल के जो हवा चल रही है तो हम सब आप देख सकते हैं धूप में ठंडे का, हम सब अपने जैकेट और कैप लगा लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा था। एक प्रॉपर्टी है इनकी, यहाँ पर हम लोग ने अपने ये बहुत ही अच्छी स्पाइसी मैगी बनाई है। सरजू अभी करंट पैक 36 किलोमीटर और है, अभी तो मैंने बोला था ना मैगी आ रही है बहुत ही शानदार वाली, उसमें भैया ने मैंने बोला स्पाइसी कर देना, फिर दूसरे ने बोला स्पाइसी कर देना, फिर तीसरे ने बोला स्पाइसी कर देना, तो उन्होंने तीनों का अलग अलग लेवल पर स्पाइसी कर दिया, तो इतना स्पाइसी है कि अंदर तो कहते कहते चली गई, क्या होगा आगे कुछ नहीं पता। हाय क्या बन रही है, करंट पैक 36 किलोमीटर रह गया है, जो सीमेंट जैसे मैंने बताया अभी 115 किलोमीटर है, मौसम काफ़ी ठंडा है, जल्दी जल्दी ये मैगी को कवर करें चाय के साथ और फिर सफर को कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी यहाँ का जो व्यू है थोड़ा सा 360 में आपको दिखा देता हूँ मैं, भैया थोड़ा 360 दिखा दीजिए। तो पैडल में फ्रेश होने के बाद और दिवाली खाने में अपना लंच करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, और कुछ देर के बाद हम पहुँचे आदि बद्री। एक प्राचीन मंदिर है, मैंने बॉस को उसके बारे में बताया, और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 16 मंदिरों के अवशेष हैं। कहा जाता है कि 8वीं से 11वीं सदी के बीच में ये मंदिर का निर्माण हुआ था, और अब 1920 के बाद से उत्तराखंड सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। तो आप जब करण प्रयाग जाएँ या इस रोड पर जाएं तो आपको आदि बद्री मिलेगा करण प्रयाग से ठीक 20 किलोमीटर पहले। तो बॉस लोगों ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाके दर्शन करेंगे, तो हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया और मेरे बॉस लोगों ने अंदर जाके दर्शन किए। भाई तो आदि बद्री में बॉस लोग के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपना सफर कंटिन्यू किया करण प्रयाग के लिए, और 20 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंचे करण प्रयाग। करण प्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। ये अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम करण गंगा भी है, जिसके कारण इस तीर्थ संगम का नाम करण प्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर भी दर्शनीय है।
करण प्रयाग से अभी निकले हुए में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन हमारी टीम को फिर से ब्रेक चाहिए था। इतने ब्रेक तो एक तक बोल के सीरियल में भी नहीं आते जितने हमारे सफ़र में आ रहे थे, लेकिन क्या करें, हर बार हर आदमी की अलग नीड होती थी। तो अब की बार फिर एक नीड थी कि चंद्रादा है, हमें चाय पीना है, तो इसलिए हम लोग रुके फिर से चाय पीने के लिए। आइए इस ब्रेक को भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाल चाल भाई, ठंड हो रही है यार, मान नहीं रहा हूँ, ठंड हो रही है भाई। बहुत जगह वो है ना, ये कौन सी जगह का जगह है ये? अब हम पीपल कोटी में है और यहाँ से हमें लगभग एक घंटा और लगेगा जोशीमठ पहुँचने में, और हम आज औली तो नहीं पहुँचेंगे, जोशीमठ तक पहुँचेंगे, क्योंकि इनका कहना ये है कि ऊपर से ठंड ज़्यादा होगी और थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहेगा अननेसेसरी, तो हम जोशीमठ स्टे कर लेंगे और उसके बाद सुबह औली के लिए निकलेंगे। ठंड बहुत हो रही है, पूरा सुबह 6:30 पर निकले थे और अब भी वक्त हो रहा है 6:30, यानी कंप्लीट 12 घंटे हो चुके हैं पूरे हमें ट्रैवल करते हुए। ऊपर बर्फ है, जबरदस्त अंधेरे में अभी मुझे ऐसे दिख रही है न्यू डाइस से, लेकिन अंधेरे में दिख रही है, ऊपर खूब बर्फ है, खूब ठंड है, अच्छी स्नोफॉल होती है मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। अभी नहीं हो रही होगी स्नो, बहुत है, स्नोफॉल का कुछ नहीं पता वेदर का। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये हमारे लिए चाय है, ये ले लें बस, बाकी तो सर बस मुझे चाय पीने दो यार। भाई बहुत ठंड है, ये क्या है? ये बहुत दिनों बाद मुझे मिला है, फैन बोलते हैं इसको, फैन चाय के साथ फैन, बहुत टेस्टी है। सर आप क्या ले रहे हैं? पीनट, पीनट तो फाइनली उस ब्रेक के बाद हम लोगों ने अपना सफर कंटिन्यू किया था इस दुआ के साथ कि अब फाइनली हमें कोई ब्रेक लेना ना पड़े और हम डायरेक्ट जोशीमठ जाकर ही रुकें, क्योंकि हमारे ब्रेक ज्यादा हो गए थे, रात हो चुकी थी लेकिन हम जोशीमठ नहीं पहुंच पाए थे। चार धाम यात्रा का रोड होने की वजह से जगह जगह कंस्ट्रक्शन था और हमारे एक साथी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि इन रोड को जल्दी जल्दी कवर करो यार, रात बहुत देर हो गई है। फिलहाल ऐसे तैसे जैसे जैसे कर कर कुछ देर के बाद हम लोग जोशीमठ पहुंचे, तो आइए आपसे जोशीमठ मिलते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ और टाइम हुआ है 9:12 और सर्दी बहुत है, तो रूम ले लिया है सामने प्रॉपर्टी में, आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, डिनर करेंगे यहाँ रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे हम औली और वहाँ जो कुछ एक्सप्लोर करेंगे आपसे शेयर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरी आवाज़ बदल गई यहाँ के मौसम बदलने के साथ साथ, हाल एकदम फ्रीज हो रहे हैं मेरे। अब सब कुछ फाइनल हो गया, पूछ लिया, कुछ रह भी गया है पूछने से, जोशीमठ सेट होना है क्या? चलिए ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है ब्रह्म कमल होटल, इनका एक होटल बद्री श्री बद्रीनाथ में भी है। ये आगे सब पूरा एरिया, ये ऊपर जो है मेन रोड जहाँ से हमें आगे जाना है अगर हम आगे जाते हैं बद्रीनाथ या केदारनाथ, और यहाँ से ऊपर जाएंगे हम औली के लिए। तो चलिए चलते हैं डिनर करने और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई गुड नाइट, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। आ जाइए चलें।